तो वर्ल्डिक के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है गाइस। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आई थी भाई वर्ल्डिक के वीडियोस दिखा दो, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे अगेंस्ट में टोको नोनो, हम लोग इसे पहले नानो बोलते थे पर इसका नाम है नोनो। तो ये गाना मेरे को, मतलब ये इसका नाम देख के मेरे को वो गाना याद आ जाता है, कौन सा बोलो ना, जो मीम्स में लगता है ना, ओ नो ओ नो ओ नो नो नो। ये बंदा भी वैसे ही है, इसका कॉमेड पिगा जो हारता है ये ऐसे भागता है जैसे किसी को दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ पर देखो इसका कॉम्बैट पिगा जो अभी डेड होने वाला है, क्योंकि हमने इसे टॉन्ट लगा दिया और ये भाग गया। अब नेक्स्ट मांगा हुआ अकाउंट का मांगा हुआ प्लेयर, मांगे हुए अकाउंट का मांगा हुआ प्लेयर, या फिर मांगे हुए अकाउंट को खेलने वाला प्लेयर, कुछ भी बोलो जो भी बोलो। नेक्स्ट अब राजी खुशी इस प्लेयर को हराते हैं, ठीक है, होप ये राजी हो हारने के लिए या फिर मैं राजी हूँ हारने के लिए। तो सबसे पहले जीमू, क्योंकि हमारा गेंगार तेज़ है और मेरे को सिर्फ डार्कराइज, मतलब सिर्फ डार्कराइज ही रोक सकता है बेसिकली, नहीं तो आप स्पाइक से मार सकते हो। और मेरे को इन्हीं दो चीज़ों से प्रॉब्लम होता है, तो मैं इन दोनों चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए अपना कोई भी पोकेमॉन जाने दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी टीम ऐसे पोकेमॉन से जो अकेले पूरे टीम को मारने की काबिलियत रखते हैं और मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिखाया भी है। तो बस मैं ये मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं डार्कराइज को मार दूँ, या फिर कोई अगर स्पाइक्स यूज़र हो या फिर सलगैलियो जैसे पोकेमॉन हो उनको पहले मार दूँ, उसके बाद देख लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चलो उसका डाकरा बेकार हो चुका है, पर हमारा गेंगर वेस्ट हो चुका है, पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूँ तो फिशर लगा सकता हूँ पर नहीं, फिशर से जीतना हमेशा अच्छा नहीं होता, वो सिर्फ मास्टर लीग के लिए अच्छा होता है, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर पॉइंट्स बेस्ड होते हैं, तो महीने भर लोग मेहनत करते हैं, तो कभी कभार हारते वक्त फिशर यूज़ करना सही रहता है, या फिर जब आपके पास चांसेस नहीं होता आपको यूज़ करना ही पड़ेगा तब सही रहता है। हमेशा फिशर डेस्ट लैपटॉप सही नहीं होता, ठीक है। अभी हम लोग अपना ग्राउंड लेके आए हैं, अब मैं जल्दी से अपना सोफर लेके आता हूँ ताकि हम लोग इसे ट्रैप में ले पाएँ। हमारा अटैक ठीक ठाक ही है, मतलब इतना बुरा नहीं है और तगड़ा अटैक है बेसिकली बताऊँ तो 21K प्लस है, तो आप समझ सकते हो ठीक ठाक ही होगा। और हमारी एचपी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है पर कोई नहीं, अभी मैं पोकी में बदल देता हूँ और लेके आता हूँ ग्राउडन को, क्योंकि इसके पास वर्लपूल भी होगा। फिनी के पास वर्लपूल होता है, नॉक ऑफ होता है और टॉन्ट भी हो सकता है, कई लोग डिफॉक भी यूज़ करते हैं और कई लोग मैजिक कोट भी यूज़ करते हैं और कुछ तो स्लॉक ऑफ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पर मेरे ख्याल से फीनी का सबसे सही मूव सेट होगा वर्लपूल डाल दो, मैजिक कोट डाल दो और प्रोटेक्ट, उसके साथ साथ अगर आप टॉक्सिक दे सको तो वो, या फिर डिफॉग। अब मतलब वो टोटल स्टेल टाइप पोकेमॉन या प्रेसर एबिलिटी आपके पास है तो प्रोटेक्ट कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है, मैक्सिमम टाइम तो करता ही है मेरे हिसाब से करता है। हेज भी डाल सकते हो पर हर बार मौका नहीं मिलता हेज यूज़ करने का, मैजिक कोट ज़रूरी होगा। अब हमने अपना टोरंटोर भेजा है तो हम लोग चाहे तो एक अटैक करके मार सकते हैं, पर स्लेथ्रॉक्स मैंने मारा है, मैं स्वॉम्फर्ड को मारने का मौका दे रहा हूँ। एक रैपिड स्ट्रगलर लगाते हैं, ठीक है, पोकेमॉन बदल ही देता हूँ, काय को लगाना, ये अपने आप मेरे को मारने के चक्कर में मरेगा और मेरा स्वॉम्फर्ड तेज़ है तो एक फिशर स्लैश काफ़ी रहेगा। मैं इस रेस्ट इस्तेमाल करने का मौका दूंगा नहीं, अब मैं मोबाइल लेके आता हूँ। अगर हॉन्डूम आता है तो एक जीमू एक रॉकटूम खेल खत्म, होप ख़त्म हो जाए, क्योंकि रॉकटूम है तो स्पीड की हमें कोई टेंशन है नहीं। सामने हमने स्वॉर्ड डांस कर लिया, अब तो भाई ख़त्म ही ख़त्म है, अब मेरे कुछ नहीं करना, बस एक रॉक टूम लगाना है, अब ये ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है। हम पे जीमू पड़ा पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही नहीं, हमें एक क्लोज कॉम, ठीक है, ब्रिक ब्रेक और ये गया। नेक्स्ट कौन सा पोकेमॉन आएगा ये देखना है, क्योंकि स्लेथ्रॉक से डैमेज तो पड़ेगा ही, और आ जाएगा गेंगार, ठीक है, डार्करा। अब मैं जल्दी से स्नोरलैक्स लेके आता हूँ ताकि हम लोग स्लीप से इम्यून हो जाए, अब हम लोग स्लीप से इम्यून है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर फिशर लगा सकता हूँ, शायद पोकेमॉन बदल दिया जाएगा, आने वाले को लगेगा, पर मैं यहाँ पर मार्सलैप लगाता हूँ, ज़्यादा अच्छा यही रहेगा। काई को मारना फिशर से, आराम से खेलते, लंबा खेलेंगे और इंजॉय करके खेलेंगे। अभी मैं पोकेमॉन बदल के जल्दी से लेके आता हूँ स्वॉम्फर्ड ताकि हम लोग हॉर्नडू को ट्रैप मिले, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अभी ख़राब हुई है तो हो सकता है वो लोग थोड़े से मिस होंगे और मैं इसका फ़ायदा भी उठा सकता हूँ। टॉन्ट पड़ा है पर मेरे थोड़ी ना टॉन्ट यूज़, मतलब टॉन्ट से हमें थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होगा, हमारे पास फिशर क्लास है और मैं उसी का यूज़ करना चाहूँगा। फीनी सामने आया तो जल्दी से ग्राउंड डाउन लेके आता हूँ और एक जी मूव लगा ही देते हैं ताकि किसी को डैमेज पड़े पड़े सही। अब जितने भी पोकेमॉन को ये जी मूव पड़ेगा, अगर पाल का भी पड़ता है तो उसका होल्ड आइटम खराब होगा, हॉन्डूम का पड़ता है तो उसका भी होल्ड आइटम खराब होगा, और फीनी को पढ़ ही जाता है तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। अब मैं यहाँ पर जी मूव, ठीक है, ये बंदा भी चला गया, राजी खुशी उसने हार मान ली। अब नेक्स्ट फिशर यूज़र है, ये तीन पोकेमॉन्स हैं बच्ची या फिर बच्चे की टीम में या फिर बंदे की टीम में, और तीनों रेस्ट लैपटॉप फिशर, सिर्फ एक स्नोरलैक्स वाई जो है वो रेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसोमेनिया एबिलिटी उसके पास है। तो उसके बाद पांच फिशर और ये टोटल 35 फिशर्स किसी के भी टीम को मारने के लिए काफ़ी होते हैं। हमारे पास सिर्फ एक टोरंटोर है जो इम्यून है,
पर गाइज इस ऐसे बंदों से लड़ने के लिए मैंने स्पेशली कुछ टीम बनाए रखा है, जिसमें मेरा डियल्गा है, स्टीलिंग्स है और टरानटोर है। वो टीम टोटली यहाँ पे तीन मेरे ऐसे पोकेमॉन्स है जो इम्यून है टोटली सारे वन हिट किल मूव्स से, पर मैं उसे टीम में रख नहीं सकता क्योंकि मेरे को बहुत सारे डार्करा यूजर्स को भी काउंटर करना होता है, तो उसके लिए मैंने स्नोलेस रखा है और बाकी भी बहुत सारे यूजर्स होते हैं। अगर मेरे को पता होता ये बंदा आता तो मैं स्टीलिंग्स को रखता और डियल्गा को रखता, तब ये बंदा वेस्ट था। पर यहाँ पर एक रैपिड स्ट्रगलर मारता हूँ, टोरंटो ने अपना काम बखूबी निभा दिया, मतलब बहुत ही अच्छा किया। मैं ग्राउंडन लेके आता हूँ जीमो, किसी को भी पड़े बस तगड़ा डैमेज पड़ना चाहिए, ठीक है, और होप मर जाए पोकेमॉन। मैं तो चाहता हूँ मर के जल के भून जाइए पोकेमॉन फिशर यूज़र, और ये हम लगाते हैं जीमो। पोकेमॉन बदल दिया गया है सामने आर्कियस, तो मरेगा नहीं पर तगड़ा डैमेज तो लेगा, ठीक है, थोड़ी सी से बच्चा है। अब मैं गिंगर लेके आता हूँ, इसके पास रेस्ट भी है और ये अनअर एबिलिटी वाला है, और गाइस इसके पास विलो वेस्ट भी है, तो ये खतरनाक हो सकता है मेरे मोबाइल या फिर बाकी सारे पोकेमॉन्स के लिए। तो मैं जल्दी से गेंगार लेके से ट्रैप में लेते हैं, टॉन्ट लगाते हैं विलो विस और इसका खेल हो जाए ख़त्म, ठीक है। मेरे को मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं, धीरे धीरे मर जाएगा, बस मैं नहीं चाहता कि उठे और मेरे को मार दे। ये ऐसे तो मार नहीं सकता क्योंकि नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, तो इसका जीमो मेरे ऊपर घंटा असर करेगा नहीं, और इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्लपूल होगा और पैरिसोंग में से इस्तेमाल करने का मौका दूंगा नहीं। हम थोड़े तेज़ हैं क्योंकि हाल ही में हमने बहुत अच्छा नहीं पर ठीक ठाक स्पीड हासिल की है, ठीक है, हमने कुछ रिम्स बदल दिए हैं स्पीड में, कुछ सारे नहीं, तभी हमारे स्वम्पर का थोड़ा एचपी चला गया, पहले 27 के आसपास था, अभी सिर्फ 23 के आसपास है, जो अभी 24 बहुत ही जल्द हो जाएगा, ठीक है, 24 नहीं 25 के आसपास हो जाएगा, बस कुछ ही दिन का इंतज़ार। अब आर्केस तो गया, नेक्स्ट पोकेमॉन हम अपना मोबाइल लेके आते हैं और सामने है पिजियॉट, ये कहीं डिफॉग यूज़ ना कर ले, तो इसे जल्दी से जीमो मारता हूँ, और जैसा सोचा था वही हुआ, कोई नहीं ये गया, इतना ही काफ़ी था, ठीक है। अब हम लोग रॉक टूम लगा के मार सकते हैं किसी को। अब ये स्नोडलैक्स है तो इस पर मैं ब्रिक ब्रेक लगाता हूँ, ये खड़ा क्यों है, ठीक, अरे नहीं मेरे को लगा था भाई काउंटर हो सकता है, और वन हिट किल ना होने वाला एबिलिटी से दिया गया था, उसके वजह से काउंटर ने मार दिया। कोई नहीं, मैं गिंगर लेके आता हूँ, एक नॉक ऑफ डेड कर देगा, पर सामने देखो कौन आ गया, ये स्नोडलैक्स, तो मैं जल्दी से नॉक ऑफ लगाता हूँ, उसके बाद विलो विस, बस फिशर ना लग जाए मेरे को, ठीक है, और मिस हो गया। अब विलो विस लगा देते हैं ताकि डेड हो जाए या फिर टॉन्ट, ठीक है, ये गंदा हो गया भाई, मेरे बहुत सारे पोकेमॉन फिशर से मारे गए, एक काउंटर से मारा गया, एक फिशर से मारा गया और एक ट्रैप से, गंदा हो गया भाई, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। कोई नहीं, अब सामने है मोबाइल हमारे पास है, हमारा स्नोरलैक्स, हम पे भी फिशर है, पर हम लोग इसे जीमू मारते हैं, ठीक है, ताकि ट्रैप में आए, कोई भी आए बस मरना चाहिए। सामने है स्नोरलैक्स जो ट्रैप में आ चुका है, अब लगाते हैं मड स्लैप ताकि इसकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाए, ख़राब करने के बाद में एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करूँ तो फिशर हिट ना हो, पर ये भाई गंदा हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा सिचुएशन गंदा हो गया। हमारे पास सिर्फ दो ही पोकेमॉन बचे हैं और उसके पास अभी भी चार में से तीन पोकेमॉन फिशर लगातार लगा सकते हैं, बेछूट बेरुक लगा सकते हैं, ठीक है, पर स्वम्पर अकेले ही सबसे भारी पड़ता है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से इन्फेस्टेशन लगाता हूँ ताकि मोबाइल हाथ में आए। एक बार मोबाइल हाथ में आ गया तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा मारेगा और काउंटर से डैमेज लेगा। यहाँ पर जीमू हमने लगाया और स्नोलेस का फिशर हो गया मिस, फिशर स्लैश लगाते हैं और करते हैं स्नोलेस का खेल ख़त्म, गया। अब दो स्नोलेक्स और बचे और एक छोटा सा मोबाइल बचा है, ठीक है, अब ये स्नोलेक्स आया, एक फिशर स्लैश लग गया, इसका काम ख़त्म, बस देखने तेज़ कौन है, ठीक है भाई, थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ था वो, काश मेरे पास टिके हुए यहाँ पर होता तो भाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, ठीक है। अब इन्फेस्टेशन लगाता हूँ ताकि ये मारा जाए और उसके बाद हम लोग अच्छे खासे लेवल पे डैमेज दे पाएंगे इसे। अब स्नोरलैक्स फायर वाला हाथ में है तो मैं नहीं चाहता ये रेस्ट इस्तेमाल कर ले, तो फिशर स्लैश और ये गया, अब सिर्फ दो ही बचे हैं और मोबाइल दो हिट में केओ हो जाएगा, फिर एक हिट काफ़ी रहेगा नहीं, 15 की एचपी बची है तो दो हिट काफ़ी रहेगा, बस स्नोरलैक्स का फिशर मिस हो जाए सारे के सारे और आराम से हम जीत जाएंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पर अभी भी एक ग्राउडन है और जब तक ये है ना सिचुएशन हमारे कंट्रोल में रहेगा, डिफेंस तगड़ा है, अटैक तगड़ा है, बस एक बार मैं बल्कअप कर लूँ, ठीक है, मैं बल्कअप यहाँ पर कर रहा था पर ये टॉन्ट भी है। कोई नहीं, अभी भी हमारे पास चांस है, रॉक टूम लगाता हूँ, उसकी स्पीड कम करता हूँ, अब ऐसे भी नहीं मार पाएगा, ठीक है, दोनों पोकेमॉन्स के जीम, एक स्नोलेस का तो जीम ख़त्म हो चुका है, और रही बात इसके पास सिर्फ फिशर बचा है, बस वो मिस हो जाए, एक और बार मैं यहाँ पर अर्थक्वेक करता हूँ, ठीक है भाई, गंदा हो रहा है सिचुएशन, बल्कअप और ये बल्कअप और ये फिशर से लग रहा है मैं हारूंगा, पर ये सारे पोकेमॉन्स मैंने भाई बहुत मेहनत से मारे और सारे उसके पोकेमॉन्स ने फिशर या फिर काउंटर से ही मारा है,
गंदा हो गया यार बैटल पूरा।